हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूपी बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, कि यहां पर बताया जा रहा है कि आज जब रिजल्ट घोषित होगा तो उन बच्चों के रिजल्ट में कहीं जन्म तिथि या नाम या उनके विलेज का नाम या उनके माता या पिता का नाम, किसी का भी अगर नाम में थोड़ा सा भी त्रुटि आता है, कोई अंक चेंज हो गया है, कुछ गलती हो गया है, तो उसको कैसे संशोधन करना है, इसमें आपको पूरा डिटेली बताऊंगा। आप मात्र इस वीडियो को पूरा शुरू से तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको नंबर देने वाला हूँ जिससे बात करके आप या ईमेल आईडी से संपर्क करके अपना जल्दी से तत्काल में ही करा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आज ही का ये वीडियो है, ताजा खबर और रियल न्यूज है फ्रेंड्स। तो वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मात्र 2 मिनट या 3 मिनट टाइम दीजिए, आप पूरा संपर्क इसको सही से कर लीजिए। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 आज आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 सहायता कक्ष का गठन, समस्या होने पर इन नंबरों पर करें संपर्क। यहाँ पर नंबर भी दिए जाएंगे फ्रेंड्स। और ये 27 अप्रैल 2019 7:30 AM में ये रिजल्ट मतलब कि न्यूज आया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए कि प्रयागराज से ये न्यूज निकल कर आया है, यानी इलाहाबाद। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम के पहले ही परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों को सहूलियत देने की पहल की है कि बोर्ड सचिव श्री नीना वास्तव ने यूपी बोर्ड मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में परीक्षार्थी गृह वासन सेल गठन किया, ठीक है ना। यह सहायता कक्ष परीक्षार्थियों की समस्याओं का त्वरित निपटारा करेंगे, ठीक है ना, जल्द ही निपटारा करेंगे आपके समस्या को। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि सचिव ने बताया कि परिषद मुख्यालय के अलावा क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर में यह सहायता कक्ष 28 अप्रैल से कार्य शुरू होंगे। मतलब की 3-4 जगह से शुरू हो रहा है, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर में, ठीक है ना। ये देखिए, और 29 मई तक समस्याओं का निपटारा करेंगे। मतलब कि जो 29 मई है, एक महीने का समय दिया जाएगा, आपका समस्या जो कुछ भी होगा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। आगे बात करते हैं कि परीक्षार्थी अपने क्षेत्रीय कार्यालय के ईमेल आईडी व दूरभाषा यानी फोन नंबर पर वर्ष 2019 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के संबंधित कोई भी समस्या का, मसलन अपूर्ण परीक्षा फल या नाम शोधन हो या जन्म तारीख हो या संशोधन विषय संशोधन का पूरा विवरण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। उसका निरातरण करा लेंगे, ठीक है, मतलब कि उसका सही उत्तर ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विवरण न मिलने पर उस पर कार्रवाई संभव नहीं हो सकेगी। यहाँ पर देखिए, आपको ईमेल आईडी व फोन नंबर दिया जाएगा। तो सहायता कक्ष के लिए यहाँ करें संपर्क, यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज फोन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फोन नंबर दिया गया है उनका, और यहाँ पर ये प्रयागराज का ईमेल आईडी भी दिया गया है। अगर आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए काम आएगा। अगर क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ फोन नंबर, यहाँ पर मेरठ का फोन नंबर दिया गया है और ये मेरठ का ईमेल आईडी है ना फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखिए कि क्षेत्रीय कार्यालय बरेली, अगर आप बरेली से बिलोंग करते हैं तो आपका ये फोन नंबर बरेली का ही काम करेगा और ईमेल आईडी यहाँ से आप ले सकते हैं और यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं, आप अगर वाराणसी से बिलोंग करते हैं रहते हैं तो ये फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ईमेल आईडी जो यहाँ पर दी गई है, इस ईमेल आईडी से आप संपर्क करके अपना कोई भी समस्या का दूर समाधान करा सकते हैं। आगे बात करते हैं गोरखपुर, अगर आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं तो ये फोन नंबर पर कॉल करना है और ईमेल आईडी जो दी गई है ये वाली, इस पर आप क्लिक करके अपना कोई भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए मुख्यालय प्रयागराज फोन नंबर, ये जो प्रयागराज का मुख्यालय है यहाँ का फोन नंबर आपको दिया जा रहा है, ठीक है, और ईमेल आईडी, तो कोई भी समस्या हो फ्रेंड्स तो इन सभी फोन नंबर या ईमेल आईडी पर आप कॉल करेंगे, तब वहां से आप अपना कोई भी समस्या का समाधान पूछेंगे, ठीक है ना। तो पहले रिजल्ट आने दीजिए, क्या समस्या, मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी फ्रेंड्स के रिजल्ट में कोई समस्या हो, सब खुश हो और अच्छे अंक से पास हो, सबका 85% आए और 80% आए, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर एक बार प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं और ताजा खबर के साथ या कोई भी मिलते हैं नेक्स्ट।